एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गई थी अपने चश्मे बनवाने। मेरे ये पुराने वाले चश्मे हैं, ये बन गए। उन्होंने मुझे ये फिक्स करके दे दिए, पता नहीं कैसे। और मैंने अपने लिए न्यू चश्मे भी बनवाए, वो मुझे कल मिलेंगे। कल मैं जाके अपने न्यू चश्मे लाऊंगी। और कल गुलबानों का वैक्सीनेशन भी लगवाना है, आई थिंक सेकेंड मंथ का या थर्ड मंथ का, मुझे याद भी नहीं है। इतनी अच्छी माँ हूँ मैं। और मैं जब गई थी, उन चीज़ों का मैंने ब्लॉग बनाया, वो सब मैं इसी ब्लॉग में अटैच करूँगी, तो आप लोग देखते रहिएगा। गुलबानों के लिए मैंने पानी गर्म करने रख दिया, ये नीम गर्म हो जाए, फिर मैं इसके थर्मस में डाल के रख दूँगी। और मेरा ये टूट गया है खुद ब खुद ही। गुलबानों का पानी मैंने थर्मस में रख दिया है उसके, और उसको मैं रख दूँगी अब। उसके बाद मैंने गुलबानों के बॉटल्स को भी बॉईल करने रख दिया, और फ्रेश होके मैं चली गई अपने ग्लासेस बनवाने, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थे। और बाहर का मौसम इतना प्यारा हो रहा था माशाल्लाह, क्योंकि सुबह बारिश हुई थी, बारिश की वजह से मौसम बहुत हसीन हो रहा था। अच्छा, मैं जब से मुझे ग्लासेस लगे हैं, मैं इन्हीं की शॉप से अपनी ग्लासेस बनवाती हूँ। इनके शॉप का नाम है आरफीन ऑप्टिकल्स। यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें मैं जिनका मैं वीडियो बना रही हूँ, ये इन्होंने ख़ुद अपने हाथों से बनाई हैं। मैंने उनसे पूछा कि अंकल कि मैं इन चीज़ों का वीडियो बना लूँ, अपने यूट्यूब वीडियो में डाल दूँगी, तो उन्होंने मुझे अपनी सारी चीज़ें दिखाई। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी माशाल्लाह, जो उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से बनाई हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। फिर सब्जियां वगैरह लेके मैं चली गई घर। और अब मैं आई हूँ तो मैं बनाऊंगी चाय, और खाना बनाना है। मैंने चाय चढ़ा दी है शाम की, और फ्राइज़ आज मैंने बाहर से मंगवाए, मैं और फ्राइज़ खा रही हूँ। खाने में बना रही थी फ्राइड भिंडी। इसकी रेसिपी मेरे इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी मैंने पोस्ट की हुई है, और ये बहुत मज़े की बनती हैं। मैं यहाँ अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट डाल दूँगी, उसमें आप लोग ये जाके इसकी रेसिपी देख लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर देना। आलू भी फ्राई कर रही हूँ। भिंडी और आलू एक साथ, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है वो। और मेरी सास ने बनाए हैं धनिया, पुदीना, शिमला मिर्च, इमली, इन चीज़ों की चटनी, वो बहुत मज़े की बनाती हैं। और ये मिर्चें उन्होंने काट के रखी हैं, ये भी अभी मुझे फ्राई करनी है। पहले आलू फ्राई कर लूँ फिर ये। हो गया है नेक्स्ट डे, और मैं गुलबानों का ये जो है ना सेट करूँगी, क्या कहते हैं रॉकर, ये रॉकर मुझे गुलबानों का छोड़ना है। ये फहद ने आधा जोड़ा है और छोड़ दिया है। ये बुक है इसके इंस्ट्रक्शंस की, ये मैं देखूँगी हाउ टू असेंबल। ये पार्ट्स हैं, देख के फिर मैं इसको जोड़ूँगी। हसनैन ने बना लिया ये। हाँ, ये मेरी नंद के दो बच्चे अनोखे। YouTube पे सर्च करके ये पूरा गुलबानों का बना दिया। मैंने लिखा था हाउ टू असेंबल इन्फेंट रॉकर, ठीक है। और उसमें मैंने जो देखा है वो है ये वाला। ये कुछ और जबान बोल रही है, लेकिन जिस तरह बना रही है ना, आपको समझ आ जाएगा। हमारा काम हो गया, हम इनको एक लाइक भी कर देते हैं। शाम की चाय के लिए मैंने बनाए हैं दही पुलकी, और ये वाले पापड़ बनाए हैं मैंने आज। इसकी रेसिपी मेरे इंस्टाग्राम पर है, देख लेना। और गुलबानो इसमें खेल रही है, फाइनली गुलबानो को ये पसंद आ गया। मैं खुद इसे झुला रही हूँ।
इसमें म्यूजिक भी है, ये गुलबानों को उसकी पप्पो ने गिफ्ट किया है, बड़ी वाली पप्पो ने। हसनैन और गुलबानों खेल रहे हैं। ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आप लोग को मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगती हों, और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार मेरी वीडियोस पर देने के लिए, थैंक यू। और मेरी न्यू ग्लासेस भी बन गए हैं, मैंने ट्रांसपेरेंट वाले बनाए, अभी फ़िलहाल यहीं बहुत इन चल रहे हैं। थैंक यू मेरी बेटी। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी रात के 4 बज रहे हैं और ये मैं आउटरो शूट कर रही हूँ, मैं हमेशा आउटरो शूट करना भूल जाती हूँ। 4 बजे भी ये उठ गई है, मुझे आउटरो शूट करने नहीं दे रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना, और बाय। नेक्स्ट वीडियो मैं कल कोई वीडियो, मेरा मूड नहीं है बनाने का, इंशाल्लाह परसों न्यू ब्लॉग बनाऊंगी। अभी मैं बैठ के ये ब्लॉग एडिट करूंगी और सुबह पोस्ट करूंगी। बाय।